हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस जन्माष्टमी बनाते हैं कान्हा जी के लिए दूध और मिश्री से बना केक, जिसका कि आप भोग लगा सकते हैं, व्रत में खा सकते हैं और प्रसाद में इसे बांट सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। मिल्क को हम बॉयल कर लेंगे। जन्माष्टमी के व्रत के लिए हर घर में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कि आप कौन सी मिठाई बना रहे हैं। इधर मिल्क में भी हमारा अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हमें दूध को पकाना है जब तक कि वो 1/4 ना रह जाए। तो इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि दूध हमारा तली पर ना लगे। तो मीडियम फ्लेम पर मैं दूध को पका रही हूँ और जो साइड में मलाई लगेगी ना कढ़ाई के, उसको भी हम पलटे से निकालते जाएंगे ताकि हमारा दूध जो है जल्दी से गाढ़ा हो जाए। अभी मुझे थोड़ी देर हुई है और आप देख सकते हैं दूध हमारा ना हाफ रिड्यूस हो चुका है। अभी हमें इसे और पकाना है, इतने हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। आप चाहें तो छेना भी निकाल सकते हैं दूध से। पनीर को हम कद्दूकस कर लेंगे। मैंने सारे पनीर को कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ली है मिश्री, ये मोटे धागे वाली मिश्री है, इसको हम रॉक शुगर भी बोलते हैं। ये आपको इजिली किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगी। तो इसे मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और अब हम इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। इधर दूध को भी चेक कर लेते हैं। दूध हमारा पक रहा है और आप देख सकते हैं काफी कम हो गया है, वो रिड्यूस हो चुका है। इस स्टेज पर जो हमने मिश्री को पीसा है ना, हम इसमें वो डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप डाला है, आप 1 कप तक इसमें डाल सकते हैं। अब मिश्री को हम अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बारीक वाली मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। तो जब तक कि हमारी जो शुगर है डिसॉल्व नहीं हो जाती, इसे हम अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं दूध जो है ना हमारा थोड़ा सा पतला हो गया है, क्योंकि जो हमने मिश्री डाली थी ना वो इसमें मेल्ट हो गई है। इसे अब हम वापिस से अच्छे से पका लेंगे। दूध हमारा वापिस से गाढ़ा हो चुका है। अब जो हमने पनीर कद्दूकस किया था ना, वो इसमें हम ऐड कर लेंगे। अगर आप ताजा छेना भी डाल रहे हैं ना, तो आप उसे हाथों से मैश करके डालिएगा, नहीं तो उसमें गुठलियां पड़ जाएंगी और आपका जो केक है अच्छा नहीं बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर को और जितनी भी साइड्स में मलाई लगी है ना, उसे भी पलटे से उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को फुल कर लिया है और मैं इसे कॉन्टिन्यूसली चला रही हूँ। कुछ ही देर हुई है मुझे इसे फुल फ्लेम पर पकाते हुए और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ रोज वाटर। गुलाब जल को आप किसी भी मिठाई में व्रत में खा सकते हैं, तो मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून। साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुलाब जल को और नारियल के बुरादे को। आप इसमें रोज वाटर की जगह इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रोज वाटर डालती हूँ क्योंकि उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अभी हम इसे कुछ देर और पकाएंगे जब तक कि जो हमारा मिक्सचर है ना वो कढ़ाई की तली को नहीं छोड़ देता। मिक्सचर ने कढ़ाई की तली को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी ना इसमें से बहुत ज्यादा छींटे उड़ रहे हैं क्योंकि इसमें अभी दूध है। तो इस स्टेज पर थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा। इस स्टेज पर ना स्पैटुला की जो बैक साइड है उससे हम अपने पनीर को भी मैश करते रहेंगे ताकि हमारा सॉफ्ट दानेदार केक बनकर तैयार हो। और आप देखेंगे जब हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो जाएगा ना, तो इसमें से छींटे आने भी बंद हो जाएंगे। तो ये एक पहचान होती है कि आपको कब तक इसे पकाना है। तो आप देख सकते हैं दूध में से ना छींटे आने बंद हो चुके हैं और इसने कढ़ाई की तली को बहुत अच्छे से छोड़ दिया है। इसमें बिल्कुल भी मिल्क कंटेंट अब नहीं है। इसे हमें इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है क्योंकि केक ठंडा होने के बाद भी थिक होगा। अगर आप ज्यादा पका देंगे ना, तो केक ठंडा होने के बाद ड्राई हो जाएगा। तो इस स्टेज पर फ्लेम को हम कर देंगे बंद। अभी कढ़ाई गर्म है तो इसे इसी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए और चलाते रहेंगे। मिक्सचर हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, अब इसे हमें टिन में ट्रांसफर करना है। तो मैंने यहाँ पे राउंड शेप के टिन का यूज किया है और उसमें मैंने लगाया है बटर पेपर। आप चाहें तो किसी थाली का या फिर किसी टिफिन का भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसफर कर लिया है मैंने इसमें मिक्सचर को, अब हम इसे स्पैटुला से दबाएंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से शेप होल्ड कर ले। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। 1 घंटा हो चुका है, हमारा जो केक का मिक्सचर है अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे टिन में से निकाल लेंगे। तो पहले इसकी साइड्स को नाइफ से रिमूव कर लेंगे ताकि इजिली ये बाहर आ जाए।
इसे प्लेट से कवर करके हम फ्लिप कर लेंगे। मैंने इसे जेंटली प्रेस किया है और हमारा जो केक है वो टिन से बहुत ही अच्छे से बाहर आ चुका है। अब हम इसे करेंगे गार्निश। तो गार्निश करने के लिए मैंने हरे पिस्ते को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये बिना नमक वाला पिस्ता है जो कि हम मिठाइयों में यूज करते हैं। मैंने इसका एक बॉर्डर बना दिया है। अब यहाँ पर है ये रोज पेटल्स का पाउडर। मैंने रोज पेटल्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था गैस पर और उसको पीस लिया। केक के सेंटर में इसे स्प्रिंकल कर लेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा कि हम गार्निशिंग के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं और इसे हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी आप भी इस केक को बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाइए। मैंने यहाँ पर एक गुलाब की पत्तियों का बॉर्डर भी दिया है। मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बनता है। जन्माष्टमी स्पेशल रोज कोकोनट कलाकंद केक बनकर तैयार है। दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो इस जन्माष्टमी कान्हा जी के भोग के लिए जरूर बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।